डिंपल भैया कब निकलना है? बस निकल रहे क्या बुरा भाई ने जैसा बता दिया कि हमारा कैंप खो गया है। तो गैस व्हाट हमारे सामने क्या है? तो भाई हम रुके थे कुछ इस तरह की जगह में, यह है पूरा सोनप्रयाग एंड ये ट्रैक है जो हमारा सोनप्रयाग लगा रहा है। तो हेलो एवरीवन, आज फिर से एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड हम रुके थे कुछ इस तरह की जगह में जैसे कि आपको बता दिया है। एंड यहाँ पे हमने कैंपिंग करी थी, तो आप कैंप दिखा देते हैं। हम इस साइड था तो ये देखिए एंड पीछे की लोकेशन कुछ इस तरह एंड हमारी लोकेशन कुछ इस तरह। एक कुप्चे में ले लिया था एक टेंट जिसे हम अपने साथ लेके आए थे एंड अब निकलते हैं हम यहाँ से गौरीकुंड के लिए। मे भी थोड़ा सा लेट हो चुका है हमें, अभी थोड़ा शक्ल इग्नोर करना, मेरी बाल बुल इग्नोर करना क्योंकि अभी नहाया नहाया नहीं है। अभी गौरीकुंड पहुँचते हैं तो वहाँ गर्म कुंड में नहाएंगे पहले, देन वहाँ रेडी होंगे। डिंपल भैया कब निकलना है? बस निकल रहे। बस आप कैसे हैं आप सभी? तो अभी निकल गए हम सोनप्रयाग के लिए, मतलब हम तो सोनप्रयाग में ही हैं पर हम वहाँ पार्किंग के लिए निकल रखे हैं अभी। तो बाय बाय शैडो, मिलते हैं 3 दिन बाद। तो अब हम निकालते हैं हेलमेट एंड करते हैं आपसे बात। तो भाई यहाँ का लाइनअप कुछ ऐसा है एंड हम कर रहे हैं टैक्सी का वेट। तो भाई पूरे मज़े ले लेके चल रहे हैं आगे एंड बस आने वाला है नंबर 5 मिनट में एंड तब हम निकलते हैं गौरीकुंड के लिए। बोलो बाबा केदारनाथ की जय। बाबा केदारनाथ क्या बुरा वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हम अपने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एंड भाई महादेव ना परीक्षा ही ले रहे हैं पता है, पहले तो डोली छूट गई एंड अब देखो फिर से बारिश लग गई है। तो चलो महादेव की परीक्षा को सॉल्व करते करते चलेंगे हम आगे। तो घोड़ों को भी रेनकोट पहना रखा है यहाँ पे ताकि ये भी बारिश से बचे। और हमने यहाँ रेनकोट नहीं पहना है, हमने पहना है विंड शटर बस। और हमारे भीमपाल भैया की दिशा कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। ये देखिए क्या हो गया, कैसा लग रहा है? पिचकारी छोड़ दी आपने। पिचकारी किसने? पता नहीं एक आया था क्या फच। अरे भाई भाई पैंट गंदी कर दी। ओ माय भाई मेरे, ओ भाई भाई फादर। ओ भाई यहाँ पे ब्रेक मार दिया इसने, देख रहे हो भाई? यार कंट्रोल यार भाई, घोड़े आगे चले गए थे अभी मार दिया था उन्होंने। मैं किसके है रे वो घोड़े? तो भाई भाग गया वो, तो मैंने भगा दिया जरा। तो भाई थोड़ा सा और चले हम एंड फिर बारिश शुरू हो गई है। आज लगता नहीं है कि हम आज पहुंचेंगे, पहले भी लेट हो रहा था और अभी भी और लेट हो रहा है। आज तो सच में महादेव परीक्षा ही ले रहे हैं।
क्या लगता है? जब हम स्टार्ट हमने नहीं किया था ना तब एकदम कड़क धूप लगी हुई थी, हाँ, और जैसे हमने चलना स्टार्ट किया तो फिर बल्ले बल्ले बारिश बारिश हो चलना गई। भी क्या, हम वहाँ जब गौरीकुंड में नहा रहे थे, नहाते नहाते बारिश नहाते नहाते तो ही मतलब हमने एंट्री तो कर ही दी थी अंदर। ऊपर थोड़ी बहुत बर्फ भी पड़ी है तो हमें रास्ते में भी देखने के लिए मिल जाएगी, ट्रैक के बीच में भी हमें बर्फ मिल सकती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अंधेरे से पहले पहले वहाँ पहुँच जाएँ, एंड अगर हम रात को पहुँचे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, सब ब्लैक ब्लैक, आइस भी एकदम ब्लैक लगेगी। रॉक 4:30 तो में यहीं हो गए हैं, अब देखते हैं लगभग कब तक पहुँच पाएंगे हम ऊपर तक। हाँ वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं बस साथ साथ सबको दिखाना है। हाँ नहीं नहीं बढ़िया है, सबको दिखाते हैं। हर महादेव हर हर महादेव। एंड हम आज हर एक ट्रैक कर रहे हैं, मतलब सूखा भी गीला भी एंड ये कीचड़ वाला भी। तो ये देखिए ये पूरा कीचड़ से एंड हमारे शूज हो चुके हैं एकदम ब्राउन। पक्को पक्को इड़ी गो इड़ी बच्ची की चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकर कहुक बुकरे टुक बुकरे चकलका बिको चिको सिलु सिलु सिलु। भाई ये कौन सा गाना है? जी चकचो हो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े। अबे तेरे को बोल रहा हूँ मैं, आगे तेने बोलना। ओ भाई मेरे पेड़ नहीं, वो टॉयलेट है, वहाँ देखो टॉयलेट लिखा हुआ है उसके आगे भाई। और अच्छे से बोले कि हर हर महादेव। कहाँ से आओ भैया? मैं चंडीगढ़ से आए हैं जीरकपुर। आप कहाँ से आए भैया? हम लोग तो लोकल ही है ऋषिकेश के। भाई भाई कह रहे हैं ना सामान को देख के हमें भी लेके चल रहा है, मैंने कहा अगर ये नहीं होता ना तो मैं आपको बैठा। ये भी परेशान हो रही है तो भाई भी थोड़ा सा लगेज है एंड हम पे तो बहुत है, 40 किलो का टांग के चल रहा हूँ पीछे। तो सब लोग ही एनर्जी बना रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे रेस्ट रेस्ट कर करके। स्लोली स्लोली चलो, आराम आराम से बढ़िया तरीके से। अच्छा अगर स्लो स्लो चलें कितने बजे पहुंच जाएंगे? 11 और तेज़ चल ही सकते, फिर बैठ जाओगे बात तो होगी। चलो फिर भैया मिलते हैं, हर हर महादेव। तो भाई हमें यहाँ एक बोर्ड दिखा तो यहाँ पे लिखा था यू हैव एंटर्ड फ्री वाईफाई जोन, तो खोल दिया फिर हमने अपना फ़ोन एंड कर लिया कनेक्ट। अब बैठे बैठे फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं आराम से। तो भाई मुड़ के वापस आ गए फ्री वाईफाई का पोस्टर देख के। हाँ भाई फ्री वाईफाई का पोस्टर देख के वापस आ गए ना, देख रहे हो। तो भाई हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे। ओ भाई मेरे वाओ। सच बता दे क्या सब कुछ? बता दो कि रात के 10 बज गए हैं पर अभी तक हम केदार नहीं पहुंचे, और इसमें कुछ समय जाता है हमारे टेंट के लिए, क्योंकि जो हमारा कैंप था जिसमें जाके हम वासुकी ताल में केदारनाथ में बद्रीनाथ में कैंपिंग करने वाले थे और जो हमारा प्लान था वो सब अब बिखर गया है। अब सिर्फ हमारा सिर्फ एक ही टारगेट बचा है जो कि है केदारनाथ तक पहुंचना और वहां के दर्शन करना। अब हमारे पास हमारा कैंप नहीं है, ये सबसे बड़ी दुखी खबर है हमारी आज इस दिन की। भाई ने जैसा बता दिया कि हमारा कैंप खो गया है। हम एक जगह बैठे थे तो मैंने साइड में एक बैग रखा था, मतलब मेरा ध्यान हट गया वहाँ से, मेरे को पता नहीं, तो फिर मैं थोड़ा सा आगे गया और तब तक हमें याद आया कि हम पे बैग नहीं है, हम 40 मीटर पीछे आए एंड तब भाई ने मेरे को बोला कि कैंप कहाँ है, और तब मेरे को याद आया हाँ कैंप नहीं है, तो मैं पीछे गया। उसके बाद जब हम गए तो हमें वहाँ बैग नहीं मिला, हमने सारे दुकान वालों को पूछा कि यहाँ पे कोई टेंट था कि यहाँ पे था, तो सब ने मना करा कि उनके पास हमारा टेंट नहीं है एंड फिर हम हिम्मत हार गए एंड क्या सब नास। तो अब बस प्लान यही है कि केदार बाबा के दर्शन करेंगे, इतनी दूर तक आ रखे हैं तो, और तब निकल जाएंगे अपने घर के लिए वापस। एंड
वो देखो यार, मुझे ये नहीं पता कि कैमरा डिस्क्राइब कर रहा होगा उस ग्लेशियर को, पर वो ग्लेशियर पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है एंड वो थोड़ा थोड़ा है पर वो तो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। अभी परसों वहाँ पे बर्फ़ गिरी थी ना, तो पूरा अभी मतलब वो स्नोफॉल हो रही थी, तो अभी पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है एंड सामने से मतलब यहाँ से देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है वो। तो यहाँ पे मेरे को इंसान से ज़्यादा तो घोड़े दिख रहे हैं एंड हर जगह। हेलो, बेचारी परेशान है, हाय कर दो, हाय कैमरे में हाय कर दो। तो भाई ट्रैफिक लग गया थोड़ा सा, आपने और जगह देखा होगा कि गाड़ियों में ट्रैफिक लगता है, बट यहाँ ये जगह है केदारनाथ और यहाँ पे घोड़ों का ट्रैफिक लगता है। तो ट्रैफिक खुल चुका है एंड भाई लगे हैं बिजली सही करने में। ओ भाई मेरे, वाओ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, मजा रहा है। कहाँ चढ़े हो? पता लग रहा है कहाँ से चढ़े हो? घोड़े पे? हाँ, हम तो नीचे से ही, शुरू से ही, पहले ही पता लग गया था बस की। चलो बढ़िया है। थोड़ा सा आगे निकले और हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की जगह में एंड देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। ओ भाई, एंड यहाँ पे पूरा कीचड़ ही कीचड़, आइसक्रीम मेल्ट हो रखी है भाई, देख रहे हो पूरी बर्फ। ओ भाई, वो बर्फ कितनी ऊपर है यार, वाह, बर्फ ही बर्फ। ओ भाई, मतलब मैंने ऐसा पहली बार देखा कि अपने से ऊपर भी कोई बर्फ है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप केदारनाथ के एंड सीन कुछ ऐसे हैं। हाय, सुकून सुकून यहाँ है। और अब हम निकल गए हैं केदारनाथ धाम के लिए बेस कैंप से, तो यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो खिंचाई। अगर फ़ोटो देखनी है तो इंस्टाग्राम में जाओ और इंस्टाग्राम में फॉलो करो, फॉलो नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो देख लो, लाइक कर दो। एंड भाई का अकाउंट भी है ट्रैवलगंज नाम से इंस्टाग्राम में भी एंड यूट्यूब में भी, तो भाई की तो भाई भी बहुत अच्छी स्टोरी बनाते हैं एक यूट्यूब पे, तो ये वाली सीरीज़ भी आएगी केदारनाथ की एंड ये तो अनदर लेवल होने वाली है ना, अनदर लेवल, हाँ खतरनाक होने वाली है। तो भैया जी वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें जो चीज एडवेंचर हुआ है और जो चीज हुई है Another level. मेरे साथ Another तो level. देखना तो हंस के मर जाओगे। तो भाई ट्रैक्टर इन केदारनाथ, जय हो। तो केदारनाथ में ट्रैक्टर देखने को मिला आज पहली बार, तो यहाँ पे जो गौरीकुंड से जितने भी घोड़े निकलते हैं वो सारे यहाँ पे रहते हैं एंड ये लास्ट स्टेशन है जहाँ तक घोड़े जाते हैं। तो बस पहुंचने वाले हैं वो रहा सामने जस्ट, तो जब तक हम केदारनाथ पहुंचते हैं तब तक आप कुछ सिनेमैटिक शॉट का एंजॉय करो। बस कुछ कदम दूर और एंड वो देखो, सोच के ही ना मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं ऐसे बोल के कि हम बस मंदिर पहुंचने वाले हैं ना। कब से कल से ट्रैवल कर रहे हैं, हम ट्रैवल तो परसों से कर रहे हैं पर ट्रैक हम कल से कर रहे हैं एंड फाइनली वो दिन आ चुका है एंड वो टाइम आ चुका है जब हम केदारनाथ पहुँच चुके हैं, मतलब पहुँचने वाले हैं। ओ भाई, हार्ट बीट तेज हो रही है।
बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत मज़ा, मतलब हर मोड पे तुम्हें अलग अलग चीज़ देखने के लिए मिल रही है। बस यही तो चाहिए था एक ट्रिप में, और क्या चाहिए हमें। तो गैस वट, हमारे सामने क्या है? एंड भाई जो यहाँ पे फील है ना, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता, कहीं नहीं। एंड हमारे स्वागत में बारिश हुई यार, आई एम गेटिंग इमोशनल। हाय। तो भाई इस बारिश ने यहाँ काम ख़राब कर दिया, एंड मंदिर के सामने बैठने वाले थे, अब चाय पीते हैं और करते हैं रिलैक्स थोड़ा सा। एंड अभी हम करते हैं चाय का वेट। तो फाइनली वेट इज़ ओवर एंड आ चुकी है हमारी चाय। चीयर्स। सही है। तो यहाँ पे लगाया है लंगर, एंड ऐसा हो सकता है कि महादेव का प्रसाद ना ले हम। एंड ये जो मैंने पहना है इसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पे टोपी नहीं थी। यहाँ ठंड इतनी है कि बिना टोपी के हम रह नहीं सकते, तो तब मैंने ये पहन लिया। तो भाई प्रसाद ले लिया है, चाय एंड पकौड़ी एंड जलेबी। तो खाते हैं पहले से हम, तब करते हैं आपसे बात। अब यहाँ प्रसाद करना खाना भी चालू कर दिए हैं हम लोग। बहुत टेस्टी है। तो भाई वो कहते हैं ना कि तुम्हें कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जिसे देख के तुम्हें ऐसा लगे कि भगवान ने कोई फरिश्ता भेज दिया हो तुम्हारे लिए। तो हमारे साथ भी ऐसे कुछ सीन हुआ। हम मंदिर के आगे जस्ट ऐसे बैठे ही थे, तो फिर भाई ने कहा कि आप कहाँ रह रहे हो। तो हमने बताया कि हम पे कोई रूम वगैरह नहीं है, आपको बताइए कि मेरा रूम, हमारा टेंट खो गया है। अभी चलते हैं टेंट की ओर एंड करते हैं आपसे टेंट के अंदर बात। भाई सीन कुछ ऐसा है कि हम पहुँच चुके हैं अपने टेंट में, एंड बहुत दिनों बाद हमें एक ऐसी जगह मिली जहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये है कोई जगह। भाई आज रात जो नींद आने वाली है ना, बहुत प्यारी यार। तो आज हम ये कह सकते हैं भाई, कल अगर हम जब उठेंगे ना तो एकदम रिफ्रेश करके उठेंगे। क्या पता मेरा गला भी कल ठीक हो जाए इसी बहाने। तो भाई ऐसा सीन हो रखा था अभी दो दिन तक कि हमें रहने के लिए एक रूम नहीं मिल रहा था। एंड धन्यवाद ऊपर वाले का जो उस भाई को हमें भेज दिया